महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य में चार फेज का चुनाव हो चुका है। अब आखिरी चरण में 20 मई को 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव की सरगर्मी के बीच शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बड़ा दावा किया है। इस दावे ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। तो क्या दावा किया है उद्धव ठाकरे ने, क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने नासिक में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने नासिक लोकसभा सीट से शिवसेना यूबीटी उम्मीदवार राजा वाजे के समर्थन में प्रचार किया। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा बयान दिया। उद्धव ठाकरे ने मोदी पर हमला करते हुए कहा कि 4 जून को चुनाव के नतीजे के ऐलान के बाद बीजेपी विभाजित हो जाएगी। एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद चंद्र पवार का जल्द ही कांग्रेस में विलय हो जाएगा, जिस पर पलटवार करते हुए उद्धव ने कहा, मोदी ने कहा था कि एनसीपी और सेना का कांग्रेस में विलय हो जाएगा। जब 30 साल से ज्यादा वक्त तक आपके साथ रहने के बाद भी हमने बीजेपी में विलय नहीं किया, कांग्रेस में विलय की बात तो भूल जाइए। हमारी चिंता करने के बजाय आप बीजेपी की चिंता कीजिए। 5 जून आने दीजिए, बीजेपी विभाजित हो जाएगी। ठाकरे ने चेतावनी दी कि एक बार जब इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा तो वह उन लोगों को नहीं बख्शेगा जो वफादारी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। अपने शिवसेना गुट को नकली कहने को लेकर पीएम पर निशाना साधते हुए ठाकरे ने कहा कि उन्हें मोदी से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।